सरकार से पूछना चाहिए कि ये 55,000 करोड़ कहाँ गया पैसा और कहाँ खर्च हो गया, आप पता आता पता नहीं चल रहा है। आप ही का एजी का रिपोर्ट है, लंबा सीरीज है आपका, सृजन घोटाला, बालिका घोटाला और कौन कौन घोटाला, फिर ये 55,000 करोड़ का घोटाला। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तब से तो खाली घोटाला ही चल रहा है, खाली घोटाला। तो ये सरकार अपनी कमजोरी को क्यों छुपाना चाहती है, ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है। चूहा दारू पीता है, अजीब बात है, चूहा बांध काट दे रहा है, अजीब बात है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बसपा के नेता तथा पूर्व केंद्रीय सांसद रह चुके साधु यादव जी मौजूद हैं। बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं, सीधे तौर पे सवाल है। रिपोर्ट, जैसे ही रिपोर्ट आती है नीतीश कुमार जी की खटिया खड़ी हो जाती है। फिर एक नया रिपोर्ट आया है, एजी का रिपोर्ट आया है, जिसमें बिहार के वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। सरकार के पास हिसाबे का कागज़ नहीं है, डिजिटल युग हो गया, हो सकता है कि किताब पर हिसाब किताब नहीं हो, लेकिन कहीं तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे करोड़ों रुपए का हिसाब जो है सरकार के पास नहीं है। क्या कहना चाहिएगा, कहाँ गया हिसाब? ये बात सही है कि एजी का जो रिपोर्ट कल दैनिक भास्कर अखबार में जो छपा है उससे स्पष्ट लगता, पहले भी हमने कहा था कि सरकार के पास खजाना नहीं है, खजाना खाली है जी। और 55,000 करोड़ एजी का रिपोर्ट है कि 55,000 करोड़ रुपया का कोई आता पाता नहीं है जी। तो ये गंभीर मामला है जी। इसको विपक्ष के लोगों को, चाहे जो भी विपक्ष में जो लोग हो, जहाँ भी लोग हों, सबको इस चीज़ को देखना चाहिए, उठाना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि ये 55,000 करोड़ कहाँ गया पैसा और कहाँ खर्च हो गया, आप पता आता पता नहीं चल रहा है। आप ही का एजी का रिपोर्ट है तो ये बहुत बड़ा घोटाला की बात बनता है, बहुत बड़ा। 900 करोड़ घोटाला में आज तक जो है हाय तोबा मचा हुआ है, ये 55,000 करोड़ का घोटाला है, 55,000 करोड़ का। मतलब आप उस चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, चारा घोटाला की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम कह रहे हैं कि बिहार में 900 करोड़ पर हाय तोबा मचा, पूरे देश और दुनिया में लोगों ने मचाया आज जी, भी जी। और ये 55,000 करोड़ का घोटाला, और हम पहले ही भी कहा कि नीतीश कुमार जी का लंबा सीरीज है आपका, सृजन घोटाला, बालिका घोटाला और कौन कौन घोटाला, फिर ये 55,000 करोड़ का घोटाला सामने एजी ने उजागर किया है, जो दैनिक भास्कर ने छापा है, और उसमें अभी तक जो है सरकार इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। नहीं, जब भी बात घोटाले की आती है तो आपके जीजा जी का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है, रवि प्रसाद यादव जी का नाम लिया जाता है। अब बिहार में तो बहुत सारे, जैसे अभी आप सृजन घोटाले की बात कर रहे थे, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, बहुत सारा घोटाला हुआ है जी। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तब से तो खाली घोटाला ही चल रहा है, खाली घोटाला। अभी 55,000 करोड़ का घोटाला है तो घोटाला मानेगा? एजी का रिपोर्ट है कि आता ही पता नहीं है जी। तो जब आता पता नहीं है तो घोटाला ही है। नहीं, जब बिहार में चूहे जो है शराब पी जाते हैं, चूहे जो है बहुत कुछ कर जाते हैं, क्या लगता है कि चूहे का इसमें कोई योगदान है? अब बताइए ना, बांध कट जाता है तो कह रहा है कि चूहा काट दिया जी। तो ये सरकार अपनी कमजोरी को क्यों छुपाना चाहती है जी? ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है। चूहा दारू पीता है, अजीब बात है, चूहा बांध काट दे रहा है, अजीब बात है। सरकार अपनी जितनी गलती करती है उस गलती को छुपाने का यही उपाय रास्ता निकालती है सरकार। और 55,000 करोड़ घोटाला हुआ है, एजी का रिपोर्ट जो दैनिक भास्कर छपा है और साफ जगजाहिर है, तो सरकार ही ना बताया कि कहाँ गया 55,000 करोड़। तो मतलब बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप सरकार पर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी से जब ये सवाल किया जाएगा तो वे बोलेंगे कि हमके मालूम? ये तो PIL बनता है जी, ये तो PIL बनता है 55,000 करोड़ पर। ये तो हाईकोर्ट भी फटकार लगाया है जी, ये तो PIL बनता है। नहीं, आपको डर नहीं लगता है? बिहार में तो इस बात का लेके कानून जो है पास है हर जगह जो है, कि सोशल मीडिया पर अगर आप या कहीं भी सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं तो आप पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। कौन सा क्या क्या है, क्या सरकार कार्रवाई करेगी, क्या सरकार कार्रवाई करेगी? घोटाला करके कार्रवाई करेगी सरकार?
हम लोग नहीं जानते हैं सरकार के विषय में। इसलिए 55,000 करोड़ जनता का पैसा है जी। और जनता का पैसा ये सरकार डकर लिया है। हम पहले भी कहा कि खजाना खाली है और खजाना यहीं से खाली हो रहा है। नहीं तो खजाना खाली है तो उसको आपको भरने के लिए तो बहुत सारे माध्यम सरकार अपना भी रही है, चाहे तेल पे टैक्स का दाम बढ़ा। आप देख लीजिए महंगाई भी चरम सीमा पर है जी। 240 रुपया कड़ू तेल हो गया, 105 रुपया पेट्रोल का दाम हो गया, 97, 98, 99, 100 रुपया डीजल हो गया जी। तो ये सारा चीज हो क्या रहा है सरकार में? ये तो सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार बन गई है, सरकार नहीं है कोई मतलब सरकार का। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।